राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, ताजे ताजे हरे भरे। और हम जाने वाले हैं ओली ओली, आज ओली जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे। तो चलते हैं वन मैन आर्मी के साथ। टैन टैन, वेलकम बैक। हम हो गए हैं जाने के लिए रेडी। अब यहाँ पे यार मास्क लगाना कंपलसरी है, इसलिए मास्क ना ना हमारे पल पल में ना तुम्हारा। ओ भाई, तो लिकड़ गए हैं हम सफर पे। तो स्टार्टिंग में कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है क्योंकि आलस आ जाएगा शरीर में, इसलिए एक्सरसाइज मैंडेटरी है। अगर इन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए तो ना एक्सरसाइज करते हैं ना कुछ। तो भाई बड़ी मुश्किल से पहुँच ही गए ऊपर। ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे नॉर्मल रास्ते भी नहीं चलते इतनी स्पीड में, और मेरी हालत खस्ता होगी भाई। इतनी एनर्जी कैसे क्या खिलाते हैं आर्मी वालों को, सच सच बताओ। ना मैंने प्रैक्टिस जो ट्रेनिंग होती है ना, स्टेमिना स्ट्रॉन्ग हो जाता। बापरे, तो भाई इनके स्टेमिना वगैरह तो पहली बूस्ट रहता है। यहाँ पे ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा यहाँ दिखा नहीं सकता। हाथी तो ये सामने वाला है हाथी पहाड़, इसमें स्ट्रक्चर है ना। तो ये जब चांदनी रात होती है ना तो उसमें दिखता है एकदम हाथी शेप में। बर्फ कब पड़ती है यहाँ पे? नवंबर में बर्फ़ पड़ेगी, तब तो बेशक तब नहीं आना भाई। और अभी इतनी हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पे। पानी तो ऐसा आ रहा है जैसे फ्रीजर में चप्पल नहीं उतारते कमरे में। जहाँ भी जाओगे किचन से लेके बाथरूम हर जगह चप्पल, क्योंकि नीचे फर्श पे पैर धरते ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई करंट किसी ने डीप फ्रीजर फैला रखा है नीचे, बर्फ़ की सिल्लियों पे चल रहे हो। कल तो कुछ फील नहीं हुआ था लेकिन आज ऑटोमेटिकली पाँव बोल रहे हैं कि भाई चप्पल पहन ले। तो भाई हमें दे दिया है बाइक की चाबी, हमारे भाई है जिनकी गाड़ी में हम जाने वाले हैं। तो भाई बाइक मिल गई है हमें, अब राइड के लिए होते हैं तैयार। ठंड लगेगी भैया रास्ते में? ठंड लगेगी क्या? ठंड लगेगी ना, ना। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लंबू ने तो पी लिया दूध, ये तो वैसे भी आर्मी वाले, इन्हें तो ठंड की कोई मतलब नहीं है। ये नहीं खाते भाई, हम है शुद्ध मांसाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। स्टार्ट हो गई है, अब हम निकल गए हैं घूमने को। अब देखते हैं, भैया कह रहे हैं तपोवन साइड भी जाना, अब देखते हैं ट्रिप पर क्या आते हैं। पहले होली का करके आते हैं फिर तपोवन साइड भी देखेंगे अपना। बिना हेलमेट के यहाँ पे तेल नहीं मिलेगा, लेकिन हम हरियाणा वाले हैं, हमें हर जगह मिलेगा। अब हम यहाँ पे लेके दें बिना मास्क बिना हेलमेट के लेके दिखाएंगे, देखते हैं कोशिश कैसी रहती है हमारी। तेल हो गया 105.30। अब भैया यहाँ पे भी डर लगता है आने के लिए। कहीं भी जाने को डर लग रहा है। दोस्तों तेल ने तो कतई बक्कल तार रखी है, खाएं या इसमें डालें बराबर ही है। इतने का तो हम खुद नहीं खाते जितने का इसमें देना पड़ रहा है हमें। Thank you.
के लिए आर्मी कैंप हमने कर लिया बाहर, सारे बॉर्डर हो गए क्रॉस। भाई व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। क्या आईटीबीपी उधर भी तो आईटीबीपी है। वेलकम बैक। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ओली ओली। तो यहाँ पे हमें तो कुछ खास देख नहीं रहा, बाकी ये है चेयर लिफ्ट रीओपन फॉर टूरिस्ट। हम भी टूरिस्ट हैं। तो वी आर टूरिस्ट इन दिस प्लेस। ऊपर चादर है बादलों की, फिर पहाड़ है, फिर पहाड़ है, फिर पहाड़ है। तो यार मज़ा आ रहा है चेयर लिफ्ट में, थोड़ी देर एंजॉय कर लो। दो दो जगह से वीडियो, GoPro से भी, या भी वहाँ भी दे वीडियो। भाई अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये कह रहा था ट्रॉली में घूमेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ट्रॉली में मज़ा नहीं आता, मैंने की जो स्केटिंग वगैरह करते जैसे होता है, मैंने ये टीवी में देखा था। बाकी यार ड्रीम कम ट्रू। उठ जा मोटू उठ जा भाई, ये यहाँ से खड़क खड़क करते हैं जब हालत डाउन हो जाती है। अच्छा ना। हाँ आने का भी है ना इसमें। हाँ वापसी भी है 4 बजे की। 4 बजे की मतलब 4 बजे तक आया। अच्छा, मैं वही लास्ट टाइम। अच्छा लग रहा है, बढ़िया एकदम। भगवान करे लंबू आपको और अच्छी अच्छी जगह ले जाए। और हमें ऐसे बुलाते रहो घुमाने के लिए। आर्मी वालों के वैसे भी बेनिफिट है कि नाम में आर्मी जुड़ जाता है, प्लस में सैलरी लो, घूमना लो, फिरना लो, हर चीज़ पे मज़े है भाई। मज़े तो हैं ही, खुद तो मज़े करते ही है, प्लस में घर वालों के भी मज़े होते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ओली। आर्टिफिशियल है। और यहाँ पे ना रूम ऐसे बना रखे हैं जैसे स्विट्जरलैंड साइड में नहीं होते, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है यार। बाकी तो देखने में ही मज़ा आ रहा है, मतलब आई हैव नो वर्ड कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हक बक रह गया हूँ। हमें मज़ा आ रहा है, हम घूम रहा है, ये हम हैं, ये हमारा लंबू है, और ये हमारी राइडिंग हो रही है, ये हमारी घुमाई हो रही है, और हम यहाँ घूम रहे हैं। ये तो हम आ गए आर्टिफिशियल लेक में। नाइट में सही लगता है नहीं ये लाइटिंग से चमकता है। तो भाई नाइट में तो हमें स्टे नहीं करना यहाँ पे। एक मूवी है भले कृष्णा कोटेज की मूवी में मंदिर कौन सा था, वो भी एक यहाँ वो भी है। यहीं की तो सीन है वो कृष्णा कोटेज की। अच्छा, तो यहाँ मूवी भी बनती है, मूवी के सीन लिए जाते हैं। बाकी तो आप देखो ये
को गोबर में सनते हुए लड़का, हमने तो नहीं कहा उछल, तू उछल क्या, उछल आ रहा था, मैं जा रहा था उसमें, वो डगमगा रहा पत्थर। ये है भाई मंदिर, यहाँ पे शूटिंग हुई थी, और ये पीछे लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, और हमें ठंड नहीं लग रही है, हमने जैकेट उतार दी है। वो फोटो खींच रही है, कैसा लग रहा है मुझे आगे? अच्छा लग रहा है, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ। अच्छा फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने अभी तक नहीं घूमा ना। अच्छा नहीं, नहीं, साथ में जब फैमिली आती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ ये तो है, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हिमालय पर्वत पे आ गए हूँ। बैक में आप देख सकते हो मेरे, कितना बढ़िया लग रहा है यार, एकदम शानदार वंडरफुल। मेरे को इमेजिन भी नहीं कर रहा था कि इतना तगड़ा लगेगा यहाँ का व्यू, लेकिन सच में यार बहुत बढ़िया दिख रहा है। भाई को चॉकलेट दे रहे हैं। क्या बात, छोटू सा बड़ा अच्छा, मस्त। थैंक यू, वेलकम, ठीक है मैम, ओके बाय, कभी मिले तो खवा देना इसे कुछ। तो भाई वो देखो उधर बर्फ गिर रही है। अच्छा जी, तो हमने हॉर्स राइडिंग भी कर ली है, अब चलते हैं हम नीचे के साइड में, देखते हैं उधर क्या है, क्योंकि ऊपर तो खूब घूम लिया, अब इससे ऊपर तो और कुछ है नहीं, जंगल सा है। तो अब हम नीचे को जा रहे हैं, नागदेवता, यहाँ पे नागदेवता का भी मंदिर है। तो ये है सुसाइड पॉइंट, यहाँ से गिर के मरेंगे तो नीचे हाथ पैर घुम चोट आ जाएगी। तो भाई अब ठंड हो गई है स्टार्ट, इसलिए जैकेट वगैरह डाल लिए, ज़्यादा हवाबाजी भी अच्छी नहीं होती है, मौसम भी ख़राब हो गया। दिन में 12 बज रखे हैं, 12 बजे ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-6 बज गए हों, अंधेरा सो गया पूरा, पूरा बादलों से ही ढका पड़ा है, आप देख ही रहे हो। बाकी भाई यार इंजॉइंग पूरी, जा पैसा वसूल है, पूरा ढक रखा है इधर बादलों से, हवा भी बहुत तेज चलने लग गई है यार, बारिश स्टार्ट हो गई है। और अब हम चलते हैं यहाँ से, करते हैं बाय बाय।